अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक किया है जिसकी विड्थ जो है वो 2.75 इंचेस है और इसकी लेंथ जो है वो 16 इंचेस है। सबसे पहले हमने इसको सेंटर में मार्क किया है और अब हम हाफ इंचेस पे इसकी फोर साइड पे बॉर्डर बना लेंगे। पहले हम एक मार्क लगाएंगे और फिर उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरह 1.5 इंचेस के डिस्टेंस पे हमने मार्क लगाना है और लाइन ड्रॉ करते जाना है। अब ये लूप्स लिए हैं हमने जिसकी जो है विड्थ ऑलमोस्ट 0.25 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ जो है वो 1.5 इंच है। इसको ऐसे टर्न करना है और जितने जहाँ जहाँ पे हमने मार्क्स लगाए हैं वहाँ वहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेंगे। सारे लूप्स हमने स्टिच कर लिए हैं और अपने स्लीव लिया है और उसको हमने सेंटर से कट कर लिया है और इसको हमने जो है साइडों पे ऐसे रख के जो है इसको हमने स्टिच कर लेना है। ये ऐसे स्टिच कर लिया हमने। अभी एक फैब्रिक की डोरी ली है जिसको बॉबी पिन की हेल्प से हम लूप्स के अंदर से गुजार लेंगे। लास्ट से हमने बॉबी पिन की हेल्प से सेंटर वाले लूप में से डोरी को गुजार लेना है और यहाँ पे हमने स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा डोरी को दोनों साइड से कट कर देना है। और ऐसे ये हमारा स्लीव्स का ऊपर वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हमने एक पेपर लेना है और उसके ऊपर हमने हाफ इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। 1.5 इंचेस का एक स्क्वायर लिया है जिसको ऐसे ड्रॉ करते जाना है। अब हर स्क्वायर का हमने सेंटर में एक मार्क कर लेना है और इसके ऊपर जो है ना दोबारा से स्क्वायर को रख के ड्रॉ करते जाना है। ऐसे ही हमारा पैटर्न जो है ड्रॉ हो गया। अब इसके ऊपर हमने डोरी को स्टिच करते जाना है। ये हमारा डिज़ाइन जो है रेडी हो गया। अब हमने स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट लिया है और उसके ऊपर डिज़ाइन को उल्टा रखा है। अब 1.5 इंचेस का एक कपड़ा लिया है जिसको हमने इसके ऊपर रख के और स्टिच कर लेना है। अब पेपर को हमने रिमूव कर देना है और इस फैब्रिक को अंदर को फोल्ड करके हमने इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। ये स्लीव रेडी हो गया। अब हमने इन दोनों को ऐसे दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद ऐसे ऊपर नीचे रख लेना और उसको जो है ना स्लीव को कट कर लेना है। इस मार्क के ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है और इसको स्टिचिंग करने के बाद हमारा स्लीव
रेडी हो जाएगा। इस तरह हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे और शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।